जी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग विद राज चैनल में। तो दोस्तों आज आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये दूसरा म्यूज़ियम है जो कि डायनासोर का म्यूज़ियम है। तो पहले वाली वीडियो आपने देखी, उसमें पोर्ट्रेट आर्ट गैलरी का था। उसमें गैलरी में मतलब आपको पेंटिंग वगैरह देखने को मिली, आपको मेटल की मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिली, पुरानी पुरानी आपको पत्थर के स्ट्रक्चर देखने को मिले, कारीगरी देखने को मिली, यूनिक चीज़ें थी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे ऐसा क्या है, क्या यूनिक चीज़ें हैं देखने वाली, बढ़िया बढ़िया डायनासोर की पुरानी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे, एनिमल्स हैं यहाँ पे। तो उनके रहने सहने का और उनका किस तरह का, मतलब कि जंगल में किस तरह से रहते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, उस तरह का दर्शाया गया है। जैसा कि बाकी मैं भी देखता हूँ, अंदर लेके चलता हूँ मैं भी प्रॉपरली आपको बता नहीं सकता हूँ मुँह जवानी। ठीक है दोस्तों, तो दिखाएंगे आपको, तो चलते हैं देखते हैं इधर की क्या टिकट वगैरह रहती है और क्या इनका फंडामेंटल रहता है क्या। चलिए चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो यार बीच में हम आपको बोलूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, ब्लॉग वगैरह शूट करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज फाइनली हम लोग ऐसे हॉल के अंदर आ गए हैं। हॉल के अंदर आप देख सकते हो बहुत बड़ा हॉल है। इसके अंदर अलग अलग पेंटिंग है पुराने पुराने ज़माने की, जब डायनासोर और लिजर्ड पुराने ज़माने में होते थे तो किस तरह के होते थे। तो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। सो दोस्तों बहुत लेट हो गए हम लोग, तो यहाँ पे कहा जा रहा 10 मिनट के लिए, फटाफट देख लो यार, 10 मिनट में क्या देखेगा बंदा यार, है ना दोस्तों, 10 मिनट में क्या देखेगा बंदा। चलो फिर भी जल्दी जल्दी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके लिए। एक तो लाइटिंग वगैरह भी बहुत कम करी हुई है यहाँ पे, प्रॉपर ही आए पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो जल्दी जल्दी शूट करना पड़ रहा है गाइस। तो दोस्तों ये खत्म हो गया, एक बार ओवरऑल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कबूतर ऊपर पहुंच गया, ये हड्डे किस किस रखे हुए हैं, डायनासोर के हड्डे हैं क्या ये? भाई साहब बहुत बड़े बड़े हड्डे हैं। ये देखो आदि मानव, पहले आदि मानव पैसे पहले ना ऐसे उछल उछल के चलते थे पता है? ये डायनासोर के इतने बड़े बड़े हड्डे हैं भाई, पूछो मत। किसी का है ये देखो, कैसे शिकार करते थे पहले भैंसों का, भैंस हो गए लेडी से, देखो आदि मानव जमाने की, ये कंदमूल खाते थे उस टाइम। और इस साइड भी है, देखो कैसे शिकार करते थे, वो म्यूजियम में ऐसे दिखाया गया हुआ कैसे कैसे शिकार करते थे। और यहाँ भी इनके वो दिखाए गए, औजार दिखाए गए जो पत्थरों को एकदम पैना कर देते थे, पैना करके इससे मांस को फाड़ा करते थे, चीरा करते थे, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, वो चीज़ें दिखाई गई हैं उस टाइम की, किस किस तरह के पत्थर खुद बनाए करते थे आदिवासी।
पुराने जमाने के पत्थर देखो, प्लीज डू नॉट टच। आज आज इधर भाई साहब, वट आर फॉसिल। ये देख सकते हो, ये देखो, ये असली का होगा नकली का होगा हड्डा, ये कि ये ऐसी बना रखा है स्ट्रक्चर। ये हड्डियां हैं जैसे कि होती थी ना डायनासोर्स की। ये पेंटिंग्स वगैरह हैं डायनासोर के, स्ट्रक्चर वगैरह हैं। आप ये देख सकते हो गाइस, इतना बड़ा पंजा देख सकते हो, बहुत बड़ा पंजा है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे अंडों के अंदर से डायनासोर का बच्चा निकलता हुआ दिख रहा है, ये दर्शाया गया है। ये कुछ दांत हैं डायनासोर्स की, दांत आगे के दांत, कुछ पंजे वगैरह हैं, और एक डायनासोर का देखो कैसे फूड स्टोर या कैसे क्या बच्चे का जन्म कैसे क्या होता है। अच्छा, असली कबूतर बैठा हुआ इसके ऊपर। देखा कभी यहां पे आके भाई, क्या बात है, ये तो सारे के सारे ऑसम, बहुत ऑसम लग रहे हैं। इधर से तो अंधेरा पड़ रहा है, जल्दी जल्दी देख लो, टाइम नहीं। क्या खा लिया इसने, खजूर? क्या देखे हैं, तो पत्थर पत्थर से दे रखे हैं यहाँ पे। जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? आई होप बहुत एंजॉय करा होगा आपने म्यूजियम देख के। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, इसकी जो बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है, शायद अपडेट कर दिया इन्होंने। तो पहले क्या होता था, पहले ना ये जो ड्रैगन म्यूजियम मैंने आपको दिखाया,
तो इसमें पहले ना सेपरेट टिकट लेनी पड़ती थी। अभी क्या है, जो हमने पहले आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, जो कि 10 रुपए की, सिर्फ मात्र 10 रुपए की टिकट थी, जो पोर्ट्रेट आर्ट गैलरी की थी, 10 रुपए की टिकट, वही टिकट आपकी इसमें चली जाएगी, जो मेरे पीछे देख रहे हो मेरे पीछे जो ड्रैगन म्यूजियम है, इसमें भी वही चल जाएगी। आपको यहाँ अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे अच्छा लगा कि वहाँ टिकट ली तो वहाँ की टिकट सेम डे यहाँ भी चल गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बट मेरे को फोटो क्लिक करने के लिए, जो फोटोग्राफी के लिए जो टिकट है, वो मुझे अलग से लेनी पड़ी, 5 रुपये उसके लगे। आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये इसमें मिरर में उल्टा दिख रहा होगा कैमरे में। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 रुपये की टिकट है, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है गाइस, तो सिर्फ 5 रुपये खर्चा लगेगा आपको। फोटोग्राफी करनी है तो कोई बात नहीं, ले सकते हो आप और आ सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी जो टाइमिंग है, सुबह 10 बजे आप आ सकते हो, 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक एंट्री है। उसके बाद में एंट्री बंद कर देते हैं, 5 बजे तक इनका क्लोज करके चले जाते हैं। आई थिंक 5 बजे तक टाइमिंग होती है इनकी, जो यहाँ पे बैठते हैं टिकट वगैरह काटने के लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी का जो स्टाफ है, 5 बजे तक टाइमिंग होती होगी इनकी। ठीक है दोस्तों, तो आइए, संडे भी ओपन रहता है। ठीक है गाइज, और संडे को भी आ सकते हो, सैटरडे को भी आ सकते हो, बाकी दिन भी आ सकते हो। टाइमिंग मैंने बता दी है, टिकट मैंने बता दी है, फोटोग्राफी की टिकट मैंने बता दी है। फोटोग्राफी की 5 रुपये है और नॉर्मल टिकट 10 रुपये है। और 12 साल से नीचे का जो बच्चा है उसकी टिकट नहीं लगती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 12 साल से नीचे की बच्चे की टिकट नहीं लगेगी। वो जो छोटे बच्चे हैं वो आ सकते हैं, उनको साथ में लेके आ सकते हो, फैमिली के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास इंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया है। म्यूजियम चंडीगढ़ में आए हैं तो भी आप देखिए, या रहते हैं तो भी आप आइए, जरूर देखिए। म्यूजियम बहुत जरूरी है, बहुत ही एंटिक चीजें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।